ये जो अभी हमारा जो क्राइसिस था जैसे चल रहा था, कोविड रिलेटेड जो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे थे उसमें हम दिन रात काम कर रहे हैं। और अभी कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। एट प्रेजेंट हमारे पास बेड्स भी सफिशिएंट हैं और आज से हमने यहाँ अपने HDU जो वार्ड है उसको भी फंक्शनल कर दिया है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है जो लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे। ये जो हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हम ओन करते हैं इन लोगों को। और हम जितना भी हमसे हो सके, पूरी जो भी हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारा नर्सिंग स्टाफ हो गया और बाकी जो हमारे जो हैं जो इस जंग में लगे हैं हमारे साथ, उन सब के साथ हम काम करेंगे। ये ऑक्सीजन जो सप्लाई जो हमारी चेन मेंटेन हो रही है उसको भी हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। और उसके लिए मैं और प्रिंसिपल साहब सारी रात हम यहाँ हॉस्पिटल में थे। हमारे अभी जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स भी हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो लोग हैं, हाई फ्लो सपोर्ट पे भी जो जो लोग हैं, उन सब के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, सफिशिएंट इक्विपमेंट है और सफिशिएंट और ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है। ऑक्सीजन की कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई जो चेन है वो हमने मेंटेन की हुई है और आगे भी वो मेंटेन रहेगी। तो मैं अश्योर करना चाहता हूँ सारी अपनी जनता को कि ऐसा कोई इशू नहीं है जो हमारा अभी हमें जो दिक्कत हो रही है हम बढ़ा रहे हैं अपनी, और भी हम अपनी फैसिलिटीज़ को हम ऑगमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है, हर चीज़ कंट्रोल में है और पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं डेली, हमारे पेशेंट नए भी आ रहे हैं और किसी किस्म की दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल।